दोस्तों हम पहुंच गए हैं देवबंद रेलवे स्टेशन और ये पार्किंग है यहाँ पे। ये साइकिल पार्किंग भी इन्होंने कर दिया, ये स्कूटर पार्किंग है, हमने बाइक खड़ी कर दिया दोनों, पापा जी ने भी और सुधीर भाई ने भी। और ये देखिए और खड़े हुए हैं दोनों और हम चलने की तैयारी है अब अंदर और आगे की यात्रा करते हैं। अंदर से देवबंद रेलवे स्टेशन, इसका बिल्कुल कायाकल्प हो चुका है। कभी हम जब 11वीं में आप पढ़ा करते थे और 12वीं में यहाँ आते थे हम और बैठे रहते थे पूरा पूरा दिन स्टेशन पे, लेकिन आज इसका कायाकल्प हो चुका है। पापा जी सुधीर भाई रख के आगे जा रहे हैं, हम जाएंगे प्लेटफार्म नंबर 3 पे और 3 पे हमारी ट्रेन आएगी और ट्रेन का नंबर है 14310 उज्जैन एक्सप्रेस। और हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने और हमारी जो है बाइक इधर खड़ी हुई है। और देखिए 9:38 हो रही है, हमारी ट्रेन यहाँ 10:23 पर आएगी। यात्रा शुरू हो चुकी है, अक्की साथ में है, पापा जी आगे चला गया और हम स्टेशन पे हैं देवबंद और हम जाएंगे कल सुबह 4:30 महाकाल। किस कोई ट्रेन आ रही है, अभी ग्रीन सिग्नल हो गए, स्टेशन बहुत बेहतरीन बना दिया भाई। अक्की भी जा रहा है, अब देखते हैं यात्रा कैसी रहती है, आप भी आनंद लीजिए महाकाल की यात्रा का। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की नगरी में। स्टेशन पर यहाँ खड़ी हुई है वंदे भारत और वंदे भारत के जाने के बाद फिर आएगी दूसरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और उसके बाद हमारी आएगी उज्जैनी। अभी 9:56 हो रहे हैं और ये देखो गार्ड साहब क्या बेहतरीन ट्रेन। रेलवे स्टेशन पूरा खाली हो गया है, अभी आई थी सुपर फास्ट सब को लेके चली गई, अब उज्जैन जाने वाले भाई हम ही कम रह गए। अब देखो पापा जी और सुधीर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से मजे से खड़े हैं। 10:28 और ट्रेन लेट है, अभी 5 मिनट अनाउंसमेंट हो गया है। सुधीर भाई पापा जी इंतज़ार कर रहे हैं और अनाउंसमेंट हो गया है, ट्रेन इधर से आ रही है, अब देखते हैं पहुँचने वाली है बस 1-2 मिनट में। दोस्तों उज्जैनी एक्सप्रेस आ गई है, पहुंच रहे हैं अपने पहले स्टॉप पे मुजफ्फरनगर और हमें चले हुए करीब 20 मिनट हुए, 18 मिनट में यहाँ ले आती है ट्रेन। और ये जिला कारागार मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर पहला स्टॉप और दूसरा स्टॉप यहाँ से सीधा मेरठ सिटी होगा। मेरठ कैंट भी नहीं रुकेगी, सुपर फास्ट ट्रेन है योग नगरी ऋषिकेश से उज्जैन। आप आनंद लेते रहिए सफर का, देखिए मुजफ्फरनगर में काफ़ी शीत है, आगे की सारी जो सवारियां हैं वो पहले ही ट्रेन लेके चली गई है यहाँ से भी, टीटी अभी तक नहीं आया चेक करने के लिए, बड़ी अजीब कहानी है। मुजफ्फरनगर स्टेशन में ट्रेन की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है भाई, अभी भी जनरल टिकट ले लेके लोग चढ़े हुए हैं और सीधा का सीधा जनरल टिकट ले रहे हैं और चढ़ जा रहे हैं, वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को भी, और टीटी भी अभी तक नहीं आया है। के अनुसार अभी तक टीटी महोदय को आ जाना था यहाँ, लेकिन एक स्टॉप हो गया है और कहते हैं बोर्डिंग उसी स्टेशन से करो जहाँ से चलनी है, उसके बाद अभी तक भी टीटी नहीं आया। Thank you.
मेरठ नगर। अनवांटेड स्टॉप कर दिया था, लेकिन मजा आ रहा है। ट्रेन में स्टॉप है मेरठ से सीधा गाजियाबाद मिलेगी। अब बढ़िया जा रही है, देखिए दोस्तों। और स्टेशन से पहले एक कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा होता है, ये वो है जो किसी भी ट्रेन को परमिशन देता है कि वो प्लेटफार्म पे कब एंटर करेगी रेलवे स्टेशन पे। अच्छा दोस्तों, हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। स्पीड काफ़ी कम हो जाती है ट्रेन की, यहाँ पर कानपुर से आने वाली ट्रेनों की स्पीड थोड़ा तेज़ रखते हैं वो। और देखो यहाँ पे कुछ लोको सेट है, इलेक्ट्रिक लोको सेट भी है यहाँ पे, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो है यहाँ इंजन खड़े होंगे। देखिए ग्रीन सेट वाला, ब्लू सेट वाला, बहुत सारे इंजन होंगे। खूबसूरत स्टेशन है बहुत। दोस्तों गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मान लिया के अंदर बैठा हुआ है, पापा जी अंदर हैं, थोड़ा बाहर घूमेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में अभी ट्रेवल आपको दिखाई जाएगी। धन्यवाद।